तो दोस्तों जब आपका मोबाइल में यहाँ पे सिक्योरिटी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग या सिस्टम यूआई इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग इस प्रकार का अगर एप्लीकेशन क्रैश करने लगे, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये दो एप्लीकेशन जब क्रैश करने लगता है तो आपका बैटरी का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, ऐप्स क्रैश का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन होते हैं ऐप्स होते हैं आपका यहाँ पर क्रैश करने लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये जो अभी दो प्रॉब्लम अभी मुझे देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर सिक्योरिटी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है वेट और ओके, अगर मैं यहां पे दिखाता हूं अगर ओके पे क्लिक करता हूं तो उसके बाद यहां पे आ रहा है सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सिस्टम यूआई में ही रन करते हैं, सिस्टम यूआई उसको रन करवाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने ओके किया तो मेरा एप्लीकेशन तो फिलहाल अभी यहां पे जितने भी एप्लीकेशन ओपन तो हो जाएंगे, पर दोस्तों बाद में क्या होता है कि मेरा मोबाइल यहां पे हैंग करने लगेगा या आपका क्या होगा कि यहां पे बैटरी का एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपका क्या होगा कि पूरा स्क्रीन यहां पे ब्लैंक हो जाएगा, एप्लीकेशन क्रैश करने लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये दो प्रॉब्लम देखने को मिले इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका बताने वाला हूं, उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन अगर आपका क्रैश कर रहे हैं तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहां पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको सेटिंग में चले जाना है। अब सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मैनेज ऐप्स या ऐप्स। तो अगर आपको पुराना डिवाइस है तो आपको वहां पे डायरेक्ट मैनेज ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका नया कोई डिवाइस है तो वहां पे आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं किसी भी मोबाइल में आप यूज कर सकते, अगर आपका रेडमी का डिवाइस भी नहीं है अदर डिवाइस है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐप्स पे मैं क्लिक करूँगा, अब जैसे ऐप्स पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ऐप्स के अंदर में मुझे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा तो टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको सबसे पहले काम क्या कर रहा है कि ऊपर में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जाकर आपको सो सिस्टम सर्विस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सो सिस्टम सर्विस कर लिया इसलिए टोटल एप्लीकेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूँगा सिस्टम यूआई, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया सिस्टम यूआई, तो आप देख सकते हैं सिस्टम यूआई वाला यहाँ पे ऐप्स मुझे देखने को मिलेगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहाँ पे क्लियर डाटा वाला ऑप्शन पे जाके क्लियर कैची कर देना है। तो पहला तो एप्लीकेशन इस पर करना है, दूसरा यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरे में आपको यहाँ पर लिखना है सिक्योरिटी। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी लिखने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी आपको यहाँ पे क्लियर डाटा वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है नीचे में इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले क्लियर कैची कर देना है और उसके बाद क्लियर ऑल डाटा कर देना है। तो ये दो एप्लीकेशन जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है देखने को नहीं मिलेगा, पर दोस्तों आपका बहुत सारे एप्लीकेशन अगर क्रैश कर रहे हैं और ये क्रैश करेगा ही दोस्तों, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद ऊपर में आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में एक फोल्डर देखने को मिलेगा, इस फोल्डर पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक एंड्रॉइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पर दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डाटा पे अगर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐप्स देखने को नहीं मिलेगा, ना इसका कैच फाइल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से चलिए बैक हो जाता हूँ, और अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड को सिलेक्ट करके अगर नीचे में अगर आप डिलीट करते हैं तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं डिलीट भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको फिर से यहाँ पे बैक होके यहाँ पे एंड्रॉइड पे क्लिक करना है। एंड्रॉइड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा पे जाना है, और डाटा में जाने के बाद यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन देखने को मिला इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे फोल्डर देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर डाटा पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी आपका जो एप्लीकेशन है, चाहे वो आपका सिस्टम का एप्लीकेशन हो या आपने जो भी इंस्टॉल किया हुआ है, सबका कैच जो फाइल होता है, जो कैची फाइल होता है, वो आपको इस फोल्डर में सभी में देखने को मिल जाएगा। जिसको यूज़ नहीं करते तो वो आपको ब्लैंक देखने को मिलेगा, और जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं तो उस फोल्डर में आपको यहाँ पर कैच फाइल देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी वाला मैंने अभी कैच किया था तो वहाँ पर आपको ब्लैंक देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर बैक होकर सिंपली करना क्या कि एंड्रॉइड वाला को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको ऊपर में देख सकते हैं कि ऊपर में आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस डिलीट के ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहां पे ओके कर देना है। अब जैसे यहां पे आप ओके कीजिएगा तो आपका ये जो एंड्रॉइड वाला जो फोल्डर वो डिलीट हो जाएगा और एक नया एंड्रॉइड का यहां पे फोल्डर बन जाएगा। तो दोस्तों ये फोल्डर बनने के बाद दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या क्रैश कर रहा है तो वो प्रॉब्लम फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपका मोबाइल काफी स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।